98% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। जब भी कोई उनका सब्सक्राइबर या फिर उनकी वीडियो को देखकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करता है, ठीक है, समझिए अब मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी सब्सक्राइब करता है उनके चैनल को तो बेल आइकन प्रेस नहीं होता, जिस कारण से वो जब भी वीडियो अपलोड करेगा या आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर तक नहीं जा पाता है। बहुत सारे लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों आता है और आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज मैं अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सारा प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। और देखिए गाइज यहाँ पर मैं YT स्टूडियो में ही आपको दिखा देता हूँ, मैं अपनी एक वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ, शायद मैं दोबारा करके देख लेता हूँ, एक बार में नहीं हो पाया है तो मैं दोबारा से एक बार और करके दिखा देता हूँ, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। देख लीजिए ये वीडियो प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी और इस वीडियो का जो है ना बेल आइकन वो प्रेस नहीं होगा। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ, ये देख लीजिए आप लोगों के सामने आ गया। अगर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाता है ट्राई यूट्यूब गाइड्स, तो इसका मतलब है कि आपका बेल आइकन प्रेस नहीं होगा, ठीक है, या फिर एक वीडियो का होगा या फिर आपने पूरे ही चैनल का कर रखा होगा। मैं दोनों चीज़ें आपको सिखाऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, दोनों चीज़ें आपको सिखाऊंगा कि परमानेंटली आप किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर सभी वीडियो पर लगा है तो आप एक क्लिक में सभी को ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर इसको सब्सक्राइब करके, और देख लीजिए ऑटोमेटिक से यहां पर बेल आइकन है जो डिसेबल हो चुका है। यहां पर अगर मैं प्रेस करता हूं तो यहां पर दिस एक्शन इज टर्न ऑफ कंटेंट दैट इज मेड फॉर काइट, मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो आपका कंटेंट है वो मेड फॉर काइट से रिलेटिव है। अगर आपको भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस तरीके से शूट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर आकर जहाँ पर आप अपने सब्सक्राइबर वगैरह चेक करते हैं, तो आपको क्या चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे जाएगा मेड फॉर काइट्स, मैंने ओनली आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने के लिए ही ये सब मैंने लगा कर दिखाया है। यहाँ पर व्यू मोर के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया मेड फॉर काइट, उस वीडियो पर क्लिक करना है आपको और पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस का, ऑडियंस के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको यस इट मेड फॉर काइट और नॉट इट मेड फॉर काइट, मतलब ये बच्चों से रिलेटिव आपका चैनल है या फिर नहीं है। तो अगर है तो ऑटोमेटिक से यस हो जाएगा, अगर नहीं है गलती से आपसे हो गया तो उसको नो करके आपको क्या करना है उसको सेव कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा से मतलब YouTube पर ले जाकर ये वीडियो आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से YouTube को और दोबारा से मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और आप उसको बड़े इजीली शूट आउट कर सकते हैं। ये गलती से हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। देख लीजिए यहाँ पर बेल आइकन प्रेस हो चुका है, पहले नहीं हो रहा था, मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। अनसब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस हो गया, ऑल पर क्लिक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको शूट आउट कर सकते हैं और परमानेंटली ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। आपको यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, YT स्टूडियो में आने के बाद सभी वीडियो का चेक कर लेना है कौन सी वीडियो पर लगा हुआ है, कौन सी वीडियो, हो सकता है आपने बहुत सारी वीडियो डाल रखी होंगी, हो सकता है बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी होंगी, आप सोचते हैं यार कैसे चेक करूंगा, तो वो तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, बारी बारी से आपको सारी वीडियो चेक करनी पड़ेगी अगर ये प्रॉब्लम का शूट आउट आपको करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करना, यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।